हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के आगे के प्रश्न को। और आज का जो भी प्रश्न है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज वाले जो प्रश्न जो लिया गया है उसमें आप हमेशा पेपर में उलझ जाइएगा और बार बार उलझते होंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए तो आपको पता भी चल जाएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 189,760 रुपया में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 भाग 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ। अब देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। इस प्रश्न में आप फंसिएगा कहाँ पे, उलझिएगा कहाँ पे, जहाँ इस अगर डेटा के अगर आप लेके अगर प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो पेपर में हमेशा आप फंस जाइएगा। तो इस डेटा को क्या करना है, इग्नोर करना है, समझ जाइए प्रश्न में दिया ही नहीं, क्योंकि हम लोग के परसेंट में दिया गया है ऑप्शन भी। सो देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो कितना देखिए, 2/ कितना भाग दिया गया है, 5 भाग। तो 2/5 भाग कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है, 13% के लाभ पर। तो समझिए टोटल वस्तु ले लेना है, नीचे जो है होता ही आप जान रहे हैं, तो 5 है, तो 5 में 2 वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 2 वस्तु को 13, तो शेष वस्तु कितना रह जाएगा, तो 5 में से अगर 2 माइनस कर दिएगा तो कितना रह जाएगा आपका, 3। अब इसको कितना प्रतिशत के लाभ पर 2 वस्तु के, तो 13, तो 2 × कितना कर दीजिएगा, 13 कर दीजिए, प्लस आपको कितना 3 वस्तु और बच जाएगा अभी शेष, तो शेष वस्तु को कितना प्रतिशत के लाभ पर यही पूछा गया है। तो यहां ले लीजिए कि 1% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए टोटल वस्तु पर कितना प्रतिशत के प्राप्त लाभ दुकानदार प्राप्त करना चाहता है, तो 19% का। तो टोटल वस्तु हम लोग के कितना है, नीचे 5 या 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 पर इसको चाहिए कितना प्रतिशत का लाभ, तो 19% का लाभ। तो यही जो x के वैल्यू आएगा, तो शेष वस्तु को जो परसेंट के लाभ पर बेचेगा वही आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 13 × कितना हो गया आपका, 26। ई हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा 3x, और 19 पीछे 19 पचे कितना हो जाएगा आपका 95। अब इसमें से इसको अगर इस तरफ लाइएगा तो माइनस कर दीजिएगा, तो 3x = 69 हो जाएगा। तो x = कितना आपका चलाएगा, तो 23%। यही जो शेष वस्तु को बेचा जाएगा कितना प्रतिशत के लाभ पर, 23% के लाभ पर, यानी 23% के लाभ पर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके सबसे पहले पूछिए। अगर अच्छा भी लगा तो सबसे पहले बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि आपका सेम उसी टाइप का प्रश्न है जो इससे आप पहले सॉल्व किए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपया में खरीदता है और वह वस्तुओं का 2/7 भाग 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ। कितना होना चाहिए इस बार पूछा है, 10% का लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो का रोक करके और क्या आपका आंसर आएगा सो सबसे पहले आप बताइए। ठीक है, आपका क्या आंसर आएगा, तो मेरे ख्याल से आप बना लिए होंगे, सोल्व कर लिए होंगे। तो आइए अब मेरे साथ सोल्व कीजिए। कितना दिया गया है आपका, 2/ कितना है आपका, 7 भाग। तो 2 भाग कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचता है, यानी कि 2 कितना पर, 15% के लाभ पर। तो 2 × कितना आप कर दीजिएगा, 15। 7 में से 2 अगर माइनस कर दीजिएगा तो शेष वस्तु निकल जाएगा, तो शेष वस्तु कितना रह जाएगा, 5। इसको कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाएगा, यानी कि इसको ले लेंगे हम लोग x, और कुल टोटल वस्तु कितना है, 7। तो इस पे 7 पे कितना प्रतिशत के लाभ चाहिए, 10% का लाभ। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो कितना चलाएगा, 15 × हो गया आपका 30। ई हो जाएगा आपका 5x, ई कितना हो जाएगा, 70। इस तरफ अगर इसको लेके चलेगा तब माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। तो x = कितना आपका चलाएगा, 8%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो मेरे ख्याल से तो आप इजी वे में इस टाइप के प्रश्न को बना लीजिएगा, लेकिन इस टाइप के ही प्रश्न में थोड़ा और उलझने वाला प्रश्न को पूछा जाता है। उस प्रश्न को भी चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,859 रुपया में खरीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 भाग 30% लाभ पर बेच देता है।
बताइए कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ। थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, आपको इस बार दे दिया गया है, क्या दिया है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि पर बेचे। थोड़ा सा यही प्रश्न में चेंजिंग है, इसी को समझना है क्या होगा आंसर। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट हम लोग का वही रहेगा, 3/7, यानी 3 को बेच दिया गया, बच जाएगा शेष कितना, 4। तो 3 के जब बेचा कितना प्रतिशत के लाभ पर 3 को, तो कितना पर 30%, तो 3 × 30 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, समझ रहे हैं। अब बच गया कितना, तो 4, तो 4 को कितना प्रतिशत पर पूछा है कि कितना प्रतिशत के लाभ पर शेष बचा बोला जाए, तो कितना कर लेते हैं हम लोग, x, ये तो आप समझ चुके हैं। और 60 टोटल वस्तु पर कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 10% का लाभ होना चाहिए, इंटू कर दीजिए कितना 10, अब कीजिए तो ये कितना चलाएगा आपका 90, प्लस कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा आपका 70। इस तरफ अगर माइनस कर दीजिएगा, ले जाइएगा, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस कितना इस बार हो जाएगा 20, होगा ना। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, तो इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो x इक्वल टू माइनस कितना आपका चलाया 5%, और माइनस किसका रिप्रेजेंट करेगा, तो हानि का यानी लॉस का, ध्यान देना है, प्लस में आए तो किसका लाभ का, माइनस में आए तो क्या होगा हानि का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो बी नंबर। यही ध्यान देना था इस प्रश्न में, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, इस कॉन्सेप्ट का भी आप लोग क्लियर कर दी, और आपका भी आसानी से इस टाइप के भी प्रश्न बना लीजिएगा। लेकिन एक और इसमें पूछा जाता है प्रश्न, और सबसे ज्यादा वहां पर उलझ जाइएगा, तो चलिए उस प्रश्न को भी आप देख लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, उन वस्तुओं का 1/4 भाग 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी इस बार क्या पूछा गया है, टोटल वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो समझिए उसी टाइप से हम लोग क्या बनाना है, तो कितना है 1/4 आपका दिया गया है 4, तो टोटल कितना है आपका 4, और 1 का कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया गया 30%, तो 1 × कितना कर दीजिएगा 30%। इसी तरह से आप देखिए, तो इसमें से 4 में से कितना माइनस कर दीजिएगा 1, शेष कितना रह जाएगा आपका 3, तो 3 = कितना शेष वस्तु का कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचता है 10%, तो इसमें इंटू कर दीजिए 10 से, = टोटल वस्तु कितना आपका दिया गया है 4, तो इसमें 4 में इसमें कितना से इंटू कीजिएगा 1 से ही, तो टोटल वस्तु पर निकालना था, बस अब x के वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो गया आपका 30, ये भी कितना हो जाएगा 30 = 4x, तो 30 दुना कितना चलाएगा आपका 60 हो जाएगा, 30 + 30 = 60, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना चला है x के वैल्यू कितना परसेंट चलाएगा आपका 15%, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका b। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ भी इस प्रश्न को भी समझ लीजिए, लेकिन इसी प्रश्न के इसी टाइप में थोड़ा सा और ट्विस्ट करके प्रश्न को पूछा जाता है, वहाँ आप पक्का उलझ जाइएगा। तो चलिए उस प्रश्न को भी आप देख लीजिए, इस प्रश्न को पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएँ खरीदता है, उन वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है, शेष बची वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो बताएं उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी जो शेष इस बार वस्तु जो बचा हुआ रहता है उसको किसको क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो समझिए कैसे हम लोग इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे, तो 3/4 आपका दिया गया है 4, यानी कि 3 को कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच देता है, तो 20% के लाभ पर, शेष कितना बच जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो कितना, सॉरी 4 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 बच गया, और इस वस्तु को क्या करता है क्रय मूल्य पर बेचता है, और क्रय मूल्य पर जब आप वस्तु के बेचिएगा तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि, यानी 0। तो इसमें यहाँ यही समझना है, यहाँ इसमें इंटू किससे करेंगे 0 से, बस यही समझना था, क्रय मूल्य पर जब बेचा जाएगा तो ना वस्तु पर क्या होगा ना लाभ होगा ना हानि, यानी कि 0, इसमें इंटू जब भी करेंगे तो क्या किससे करेंगे 0 से करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो जीरो हो गया। तो अब कितना टोटल वस्तुओं पर पूछा है कि कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 4 है टोटल वस्तु, तो इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा x से, 4 इंटू एक्स, बस अब इसी को सोल्व कर लीजिए। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, और इसमें इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, और 0 60 में प्लस कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका 60 ही 60 ही चलेगा 4x। इसी से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो x का जो वैल्यू आ गया कितना परसेंट आया आपका 15%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इस टाइप के प्रश्नों को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। तो आज का जो भी आप प्रश्न जो देखे तो आप इसमें दो चैप्टर से इंक्लूड करके पूछा गया, एक प्रॉफिट और लॉस से, और इसी को परसेंटेज में भी पूछा जाता है, तो दोनों के हम लोग साथ में पढ़ लिए। तो दोनों का इसमें हम लोग पढ़े कि प्रॉफिट और लॉस का कहीं भी इसमें कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रयोग नहीं किए, सिर्फ किसका हम लोग किए हैं तो आप परसेंटेज से उठा के सोल्व किए हैं, परसेंटेज टाइप का, कहीं भी क्रय मूल और कभी भी विक्रय मूल ना लिखा है, टोटल परसेंट से रिलेटेड था, इसीलिए इस प्रश्न को इस टाइप को लिए। और ये टाइप आपको प्रॉफिट एंड लॉस में यानी कि लाभ और हानि में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।